Good morning, hello, welcome to the another day of keto, day 7 of Tinkas. आज keto day 7 है और अगर आप मेरे ब्लॉग रोज फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है ये क्या है. क्या है ये? सोचिए, जरा ध्यान से सोचिए. ये है बुलेट कॉफ़ी और ये जो ऊपर तैर रहा है वो घी और ये है कॉफ़ी पाउडर. Let's begin our day with bullet coffee. As promised, आज मैं आपको अपना वेट बताऊंगी, बट ये वीडियो के एंड में, तो देखते रहिए जाने के लिए एक हफ्ते में मैंने कितना वेट लूज किया है. Let's see how to make cauliflower fried rice. थोड़े से मैंने कैश्यू लिए हैं, थोड़े आलमंड्स ज़्यादा लिए हैं क्योंकि कैश्यू में बहुत कार्ब्स होता है. और यहाँ मैंने सिर्फ बीन्स लिया है. आप थोड़ा सा गाजर ले सकते हैं क्योंकि गाजर में अच्छा स्वीट है और कार्ब है, तो वो हम मैं इसलिए इसमें अवॉइड कर रही हूँ. मैंने बीन्स काट लिए हैं, यहाँ पे वो आलमंड्स थोड़े रखे गार्निश के लिए, दो वो काजू ये मैंने थोड़े चॉप कर लिए. इसको पहले मैं फ्राई करूँगी एंड देन दो दालचीनी एक इलाच, टू सिनेमन वन कार्डमम. नाउ आई हैव एडेड घी ऑन दिस कढ़ाई एंड नाउ वील एड आर फ्राइंग स्टफ. मैंने दो बड़े चम्मच घी डाले थे, मैं चाहिए तो मैं और भी ऐड करूँगी बाद में, तो इसमें मैंने वो दो दालचीनी एक इलाच डाल दिया है. दिस विल एड फ्लेवर्स इन आर फ्राइड राइस एंड ऑल्सो किल दैट कॉलीफ्लावर पंजन स्मेल. इसके साथ मैं थोड़े से अपने ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लूँगी. मैं थोड़ा सा ये इनको फ्राई करूँगी. फ्राई करके इनको हटा लिया अलग से और अब मैं इसमें बीन्स ऐड करूँगी. बीन्स ऐड करने वाली हूँ. यहाँ पे बीन्स फ्राई होते होते मैं इसमें कॉलीफ्लावर भी ऐड कर दूँगी और हम सब हम साथ में ही फ्राई करेंगे. कॉलीफ्लावर ऐड कर दिया है, अब मैं इसको फ्राई करूँगी. तो इसको आप 10 मिनट तक आराम से मीडियम फ्लेम में पकाएं. तो यहाँ मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और थोड़ा सा दालचीनी ऐड करूँगी ताकि इसका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाए, क्योंकि अभी भी मुझे कॉलीफ्लावर की स्मेल आ रही है. हाँ, मैंने वो थोड़े से आलमंड्स और काजू ऐड किए हैं, बाकी मैंने रखा है गार्निशिंग के लिए. लगभग 10 मिनट हो गए इसे फ्राई करते हुए और मैं 2 मिनट ऑफ फ्राई करके गैस बंद कर दूँगी. ओ माई माई, लुक एट दिस फ्राइड राइस. डू यू थिंक इट्स अ राइस? रियली इट्स अ राइस? So it looks lovely and sumptuous, tasty, healthy. What else you would need it? Once you can have a rice like this, I don't think so. We actually need a rice when we can replace it beautifully with a cauliflower. So perfect to eat in a keto diet. Don't forget a lovely chili chicken. So इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी दी है द टिंकास में, मैं वो लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सिर्फ एक इसमें सब्स्टिट्यूट ये है कि मैंने इसमें शुगर की जगह स्टीविया यूज़ किया है, अराउंड 1 ग्राम, यू नो स्टीविया और जो नेचुरल स्वीटनर्स आते हैं वो, और कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड नहीं किया है, बाकी सब सेम है. आप प्लीज़ ये रेसिपी देखिएगा और ज़रूर ट्राई करेगा. नॉर्मल लाइफ में भी, नॉर्मल लाइफस्टाइल में जहाँ हम कीटो या कोई डाइट फॉलो नहीं कर रहे, तब भी आप ये खा सकते हैं आराम से. मैंने ऑलिव ऑयल में पकाया है, आप ऑलिव ऑयल में पका सकते हैं. कीटो डाइट में आपको ऑलिव ऑयल में पकाना है और नॉर्मल लाइफ में आप इसे किसी भी ऑयल में पका सकते हैं. नॉर्मल लाइफ एज इन विदाउट एनी डाइट. तो ये मैंने ऑलिव ऑयल में पकाया है, इसमें कैप्सिकम डाला है, कैप्सिकम आप डाल सकते हैं. सारी रेसिपी मेरी टिंकास लिंक में है, मिल जाएगी आपको. मैं उसकी चिली चिकन की रेसिपी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, ज़रूर ट्राई करिएगा. सिर्फ शुगर और कॉर्नफ्लावर ऐड मत कीजिएगा, शुगर की जगह आप स्टीविया ऐड कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर स्टीविया ऐड किया थोड़ा बैलेंस करने के लिए. आई कांट वेट टू ट्राई दिस आउट.
with this lovely fried rice. आहा, तो आज चिकन में क्या बन रहा है, कोई गैस कर सकता है? चलिए मैं बता देती हूँ। ये है चिकन टिक्का मैरिनेशन। ये मेरे हस्बैंड ने किया है, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या क्या दिया है। तो अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ये बनाकर अलग से वीडियो दूंगी। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ मैं 2 टेबलस्पून कोकोनट बटर ले रही हूँ। बटर आप कोई भी ले सकते हैं, तो कोकोनट में अच्छा फैट होता है, इसलिए आई चोजन कोकोनट बटर हियर। एंड देन अभी मैं सिर्फ वीडियो ले रही हूँ, बना कोई और ही रहा है, हाथ देख के पता चल जाएगा, मेरा हाथ नहीं है। तो ये मीडियम लो हीट पे है क्योंकि बटर बहुत गर्म हो चुका था। ये बोनलेस चिकन की पीसेस है। इसमें मैरिनेशन में आपने क्या क्या दिया है? मैरिनेशन में क्या क्या दिया है? चिकन, हाँ चिकन के अलावा ऑब्वियसली चिकन दिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी, हल्दी, नमक, नमक, सरसों का तेल, सरसों का तेल, सरसों का तेल यूज कर सकते हैं कीटो में? ओके। और एंड देन योगर्ट, दही, कितना दही? थोड़ा सा दही। ओके। एंड देन नींबू। ओके। और बस उतना बस। अच्छा, तो इसको मैंने पलट दिया है, ये एक साइड देख सकते हैं पक गया है। या बोनलेस से तो बहुत जल्दी पकता है, विद इन 3 मिनट के अंदर मीडियम फ्लेम में ये पक चुका है। और ये पोर्शन एक जना के लिए होगा, और आई थिंक ये और साथ में हम लेटस लेंगे आज रात को डिनर में। मैंने इसे एक और कढ़ाई में बिठाया है क्योंकि वो एक कढ़ाई में बनते बनते बहुत टाइम लगा, तो मैंने 2 कढ़ाई बिठा दी है साथ में। जैसे ही 5 मिनट में पक गया था, मैंने फ्लेम बढ़ा दिया है ताकि ये स्मोकी फ्लेवर आ जाए इसमें। तो ये है अपना सैलेड का प्लेट जिसमें चेरी टोमेटोज, कुकुम्बर, लेटस डाला है। अभी मैं इस पे चिकन टिक्का डालूंगी। वाओ, द स्मेल इज अमेजिंग। द होल हाउस हैज फिल्ड अप विद दिस अरोमा ऑफ चिकन टिक्का। सही, और ये स्मोकी फ्लेवर भी ऐसा आया है कि मैंने गैस बढ़ा दी और ये साइड में जो ये बर्न हो गया ना, और दैट इज गिविंग द टिक्का रियल मीनिंग ऑफ इट। Trust me, the way it is looking, it tastes more better than that. I have just tested a little bit on top of it because I want to take a photo before I eat. So you guys should definitely try this chicken tikka. और इसकी रेसिपी चाहिए डिटेल्स में तो आप मुझे मैसेज करना माई कमेंट सेक्शन बिलो। सो बिफोर आई एम एंडिंग दिस वीडियो टूडे, सो एज प्रोमिस डे 7 है, आपको वेट बताना था। तो मेरा वेट आप देखिए कितना दिखा रहा है, 1 मिनट, 2 मिनट, टंटड़ा, लेट मी चेक। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, यू रिमेंबर माय अर्लियर वेट? इट वॉज 56 समथिंग। लेट मी स्प्लैश दैट वीडियो हियर। सो दिस इज वॉट आई हैव अचीव्ड इन 1 वीक, इन 1 वीक गाइज। So I have thyroid and if I can do this, I am sure you all can do it. क्योंकि when my husband, he is also doing keto along with me, उन्होंने 3 किलो lose किया है और मैंने 2 किलो। Not bad, not bad at all. So give it a try, keto works definitely. And now I'm not at all low in energy, I'm full on energy and I'm really happy about it. See you in 8 and bye. Don't forget to subscribe my channel if you haven't. Stay tuned. Love you all. Bye.